अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, रॉयल जायका बाय रसलीम में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, साबूदाना खिचड़ी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम साबूदाना लिया था, उसे मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। भीगने के बाद देखिए ये बिल्कुल ऐसा लगेगा। 200 ग्राम के करीब मैंने सेंग ली है, उसको मैंने भून लिया था, उसका एक ऐसे पाउडर बनाया है दरदरा सा, वो हम इसमें ऐड करेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक पतीली लेंगे, उसमें 2 से 3 बड़े टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, उसमें हम 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 4 से 5 हरी मिर्च ऐड करेंगे। आपको तीखा जैसा पसंद है आप वैसे ऐड करना हरी मिर्ची। फ्रेंड्स, हरी मिर्ची को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें आलू ऐड कर रहे हैं। आलू को मैंने छोटी साइज में कट किया है। अब हम आलू को अच्छी तरीके से इसमें फ्राई करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। जब तक कि यहाँ पर आलू फ्राई हो रहे हैं, हम हमारे साबूदाना में नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे आलू बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब जो साबूदाना हमने मिक्स करके रखा था वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हम इसे ढक्कन ढककर कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी से क्या होगा कि साबूदाना खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही एनहांस हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम इसे ढक्कन ढककर 10 मिनट तक पकाएंगे। साबूदाना खिचड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही झटपट बनती है, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसे नाश्ते में आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा, ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।